मैं क्षितिजा, एमएनएस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कनाडा के बाजार में मिलेंगे भांग, मिक्स फ्रूट प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स। कनाडा में दिसंबर 2019 में भांग मिश्रित खाद्य पदार्थों की वह तरीके से बाजारों में बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि सरकार ने शुक्रवार को अपनी घोषणा में कहा कि बच्चों को इनसे दूर रखने के लिए लक्ष्य में उसने गैमी बेयर्स और लॉलीपॉप जैसी चीजों में भांग के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी है। गौरतलब है कि कनाडा ने पिछले ही साल एक कानून बनाकर भांग के उपयोग को वैध घोषित कर दिया था। इसके बाद पारित यह नया कानून 17 अक्टूबर से प्रभावी होगा। यह कानून भांग के साथ और शरीर में लगाने वाले मलम पर भी लागू होगा। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इन नए उत्पादों के माध्यम दिसंबर से पहले बाजार में आने की संभावना नहीं है। यह उद्योग नया है, इसे खड़े होने और उपभोक्ताओं के हिसाब से विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।